अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स अपनी टीचर्स को सबमिट करवा रहे होंगे। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल। सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू स्टार्ट स्टडीइंग टुडे। प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 144। मगर मुझे साथ साथ ये बताते चले, जो लास्ट क्लास में अपने होमवर्क्स जो आपको दिए गए थे, क्या वो सबमिट हो चुके हैं? क्या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं घर में? शाबाश, वेरी गुड। प्रैक्टिस इज़ द की, द मोर प्रैक्टिस यू विल डू द बेटर यू विल बिकम, राइट? वेरी गुड। तो पढ़ाई करना शुरू करें, जल्दी से अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 144। टेल द टाइम, लेट्स प्रैक्टिस। नाउ यू कैन सी देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन दिस पेज 144 व्हिच आर रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन एज वेल एज एडिशन ऑफ टाइम्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम्स, ऑलराइट? और हमने तो एग्जांपल्स भी की हैं ऐसे क्वेश्चंस की पहले, और हमने जब एडिशन के क्वेश्चंस किए थे तो आई एम श्योर कि आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हमने ऐसे क्वेश्चंस तो पहले प्रैक्टिस किए हैं ना, तो आई एम श्योर कि यू वॉन्ट फाइंड दैम डिफिकल्ट। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक आउट योर नोटबुक्स एज वेल, सो यू कुड राइट आंसर्स इन दैम, ओके? पार्ट ए, व्हाट टाइम Is it on the clock? Clock में अभी time क्या हो रहा है? What time is it? Please read this clock which is given in part A. You can see it's 8 o'clock. How do we know it's exactly 8 o'clock? Small hand is on 8 and the large hand of clock, or you can say arrow as well, is pointing towards 12. It's exactly 8 o'clock. So what is going to be the answer? 8 o'clock. Easy, very good. What time was it 7 hours ago? 7 hours ago. 7 hours pehle time kya ho raha tha? Calculate karne ki koshish karein. If it's 8 o'clock right now on this clock, 8 hours pehle time kya ho raha hoga? Take this clock 7 hours back, 2 hours, 6 baj rahe honge, and take back 6 hours more. Wait, 8 hours, 5 hours more. 5 plus 2, 7, right? So if we will take this clock 7 hours back, the time will become 1 o'clock. All right, तो 7 hours पहले time क्या हो रहा होगा clock पे? 1 o'clock. Very good. What time was it 4 hours 45 minutes ago? Time क्या हो रहा होगा 4 hours 45 minutes ago पहले? So if we'll take this clock 4 hours ago and then we will have to take 45 minutes back as well, the time will become 03:15. How? Try to calculate it. Take out your wristwatches and you can take table clocks as well. It will be easy for you to check. All right? Very good. You have to practice this in order to learn the addition and subtraction of time. Okay? Practice is the key, right? So what time was it 9 hours and 15 minutes ago? Ago means guzar gaye, okay? So if it is 8 o'clock right now, you have to take this clock 9 hours back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hours back, which means it must be 11 o'clock, and you have to take 45 minutes back as well, which will show that the time must be 10:45. Okay? Very good. Moving to next part. What time is it on the clock right now on this part B? It's exactly 8:30. 08:30, which is, yeah, on this clock given in part B. What time was it 3 hours ago?
3 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा इफ इट इज 8:30 राइट नाउ. इट मस्ट बी 3:30 राइट, बिकॉज वी हैव टेकन दिस क्लॉक 3 आवर्स बैक. वेरी गुड. सो वॉट टाइम वॉज इट 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स अगो. 4 आवर्स 45 मिनट्स पहले क्या टाइम हो रहा होगा पार्ट बी में. इट मस्ट बी, इट इज 3 आवर्स 45, और यू कैन से 3 past 45 एज वेल. 8:30 ओके, वी हैव टू टेक 4 आवर्स 45 मिनट्स बैक. पहले 4 आवर्स पहले ले जाइए. 8:30 विल मेक 7:30, 6:30, 5:30 एंड 4:30. 4:30 तो हम 4 आवर्स बैक चले गए. नाउ यू हैव टू टेक इट फर्दर 4:45 मिनट्स बैक. ऑल राइट, एंड देन वंस यू विल टेक इट 45 मिनट्स बैक एज वेल द टाइम विल बिकम 3:45. इज़न्ट इट अमेजिंग. वेरी गुड. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व नेक्स्ट 3 पार्ट्स. खुद से सॉल्व करें इंशाल्लाह. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. द मोर प्रैक्टिस यू द बेटर यू विल बिकम. सबमिट योर होमवर्क्स टू योर टीचर्स ऑन टाइम. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय.